नमस्कार, मैं हूं सौलज जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की टिहरी झील में साहसिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से टिहरी झील में 25, 26 और 27 मई को 3 दिवसीय टिहरी साहसिक खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य टिहरी झील को पर्यटन हब बनाने के लिए देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना है। टिहरी महोत्सव में शामिल होने वाले पर्यटक जान सकेंगे कि टिहरी बांध की संघर्ष गाथा क्या है। वही बांध के लिए टिहरी के लोगों का त्याग और बलिदान को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के जरिए रेखांकित किया जाएगा। पहली बार पूरा टिहरी महोत्सव जलाशय क्षेत्र पर केंद्रित होगा। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। वही उत्तराखंड के बागेश्वर में पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी संगठन ने अफसरों पर उनकी मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 7.4% लंबित पड़े डीए के एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं 2005 के बाद नियमित कर्मियों के जीपीएफ का भुगतान के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन नहीं मिली है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 10 सूत्री मांग के संबंध में जो है यहाँ पर आंदोलित है। सबसे पहली मांग तो हमारी यह है की हमारे पीएफ खाते जो है अर्बन बैंक में थे और बैंक द्वारा जो है बिना किसी पूर्व सूचना के जो है उसमें जो है चालू खाते का ब्याज दिया गया है, जिसके हम घोर भर्त्सना करते हैं। दूसरी मांग यह है हमारी, यह है कि लंबे समय से 7%, 4%, 1% डीए का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके संबंध में पूर्व में दिसंबर में हमारा समझौता हुआ था कि उनके द्वारा कहा गया था कि मुख्यालय से धन आवंटित होने पर हम जो है इसका भुगतान कर देंगे। बागेश्वर से हरीश नागरकोटी की रिपोर्ट। यूपी सरकार में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी का है, जहां के निवासी संतराम को लूटपाट के इरादे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। हमारा भतीजा है, बैंक को गया था पैसा निकालने के लिए। पैसा निकाल के आ रहा था, जब गाँव के नजदीक पहुँच गया 2 किलोमीटर पहले, तो उसने आगे गोली मार दी। पल्सर गाड़ी से था, अकेला था। जब गोली मारने के बाद जब बिंद गया, अगर पैसे देते बिंद गया, जब उसको इसने उसको उठा फेंका, तब उसने अपना भाग के गाड़ी उठाई, भागा चला गया। पैसा जो छीन के नहीं ले जा पाया है, पैसा गाड़ी में रह गया। बिंदा बिंदु रोने झगड़ा होने लगा। मार हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। देन आई फाउंड Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वही झारखंड के गिरिडीह में 2 अलग अलग जगह जमीनी विवाद के चलते 7 लोग घायल हो गए। पहली घटना डुमरी थाना क्षेत्र के गुटवाली की है, जहां दीवार देने के क्रम में 2 पड़ोसियों के बीच बातों बातों ने भयानक लड़ाई का रूप ले लिया, जिसमें परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही दूसरी घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र के लोहेडी की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। फिलहाल दोनों घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। मेरी दादी ना बना रही थी बेल रखने वास्ते, तो वो बोल रहा था ना जो तुम घर वजह वही रहते अरे सब करेगी, तो मेरा उन लोग आए पूरा मारने लगा मेरा मेरी दादी को पूरा मारने लगी और बोलता है कि तुम मेरे दादी लोग छुड़ाने गई तो इन लोग को भी मारने लगा। तो मेरा दादा जा रहा था नदी तो मेरा दादा को भी मारने लगा। देखो दीवार उठा रही थी बैल रखने के लिए, तो उसी को लोग विपक्ष वाले लोग बुधन महतो हो गया, उसको हेमलाल महतो हो गया, शुक्र महतो हो गया, मेघलाल महतो हो गया, इसको धासने आ गया था तो वो रोकी, तो उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ डंटा से मारपीट किया, उसके बाद छाती में चढ़ के हुमज दिया। बाद में सोमर महतो गया। डुमरी से कुल 6 आदमी आज सुबह 4 मई 2018 को आपातकालीन कक्ष में रेफरल डुमरी अस्पताल में आए। इन लोगों का आपातकालीन कक्ष में इलाज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करने के बाद आगे के इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।
यूपी के कासगंज में योगी के शासनकाल में महिलाओं और बच्चों से छेड़छाड़ और रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा एक मामला कासगंज जनपद के थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है, जहां कासगंज के सदस्यों पर देवरिया के एक युवती ने एक महीने से अपने सरकारी आवास में बंधक बनाकर मारपीट और जान से मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी सीओ का तबादला भर्ती बोर्ड में करा दिया है, जिसके बाद पीड़िता युवती ने पुलिस की कार्यवाही पर नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी के सामने गुहार लगाने की बात कही है। मैंने उसमें लिखा है कि सीओसीटी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इस पूरे मामले में लिखने हैं? नहीं जी? किसी ने मुझ पे दबाव नहीं बनाया। नहीं, जो जो घटना मेरे साथ हुआ था मैंने वो घटना लिखा था उसमें। उन्होंने वो भी दिया है कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किए, एक महीने मुझे बंधक बना के रखा है अपने आवास पर। नहीं, हमें कोई पैसे की लालच नहीं है और हम पैसे के लिए उनसे जुड़े नहीं। एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सीओ सिटी श्री अजय सिंह के घर उनको एक माह से बंधक बना के रखा गया था। क्षेत्राधिकारी के द्वारा उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनको शारीरिक मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। इस पर मेरे द्वारा उनको आज अपने कार्यालय बुलाया गया। कार्यालय में उन्होंने अपनी जो बातें बताई, जो दिक्कत उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन पर आज ही कासगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के पास कैलाशपुरी इलाके में बीती रात चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया और 358,000 नकदी के साथ लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। ये मकान एक परवेज नाम के प्रॉपर्टी डीलर का है, जो एक शादी समारोह के लिए घर से बाहर गए हुए थे। परवेज को उनके घर हुई चोरी की सूचना उनके पड़ोसियों ने दी। वहीं चोरी की इस वारदात की शिकायत करने जब परवेज पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद से इलाके के लोगों में पुलिस के रवैये से खासा रोष देखने को मिल रहा है। और परिवार हमारा 10 दिन से गांव गया था, शादी था हमारे घर के बगल में। उसके बाद हम भी बाहर में थे, 30 तारीख को हम यहाँ आए, शाम रात में मैं यहीं पे थी। फिर पहली को हम यहाँ से 9:30 बजे यहाँ से निकले हैं सुबह में गांव के लिए। और उसके बाद जो है जब हम आ जाए हैं तो हम रास्ते में थे, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के करीब हम पहुंच गए थे। तब तक हमारे दोस्त हैं बगल वाले, वही फ़ोन किए कि आपका जो है मेन गेट का ताला बंद है और अंदर का दरवाज़ा खुला है, भैया कोई सोया है? कि नहीं भैया, मेरी चाबी तो मेरे पास है। उसके बाद जब हम लोग आए जब अंदर घुसे हैं तो सारा चीज़ बिखरा पड़ा था, इतनी अटैची थी, सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए थे। सब चेकबुक था 25, उसको फेंक दिए हैं। उसमें 3.5 लाख रुपया था, 136 ग्राम जो है सोना था, उसमें गहना यही सब गया। उसके बाद जो है हम लोग थाने गए, NCR थोड़ी सी लिख करके अप्लीकेशन रख लिए, FIR अभी नहीं किए हम लोग। क्या कह रहे हैं 2 दिन का हमको समय चाहिए। चंदौली से अजराय की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।